निकलने वाला है हम आगरा के लिए, सुबह सुबह का वक्त है। और ए रवि, चाबी कहाँ गई इसकी? तो भाई अब हम लोग चल दिए ताजमहल की तरफ, और होटल से अभी तकरीबन बज रहे होंगे लगभग 7:11 हो गए। फटाफट चलते हैं और होटल से, और 11 बजे चेकआउट करना है। और हम तीनों चल दिए हैं, रवि और भाई, तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है? संगीत। संगीत भाई। अरे भाई बंधा हुआ है, चल जल्दी फटाफट चलते हैं, सुबह सुबह का टाइम है और सीधा हम मिलते हैं, क्योंकि हेलमेट तो अलाउड नहीं होगा वहाँ पर, तो इसलिए चलते हैं। भाई का संतोष, क्या नाम? संतोष, सॉरी संगीत, संगीत भाई, भाई का नाम संगीत है और उनका चैनल का नाम है इंडियन गोरखा ब्लॉग। अरे भाई बहुत ही बढ़िया नाम रखा हुआ है, और भाई के 70,000 प्लस सब्सक्राइबर भी हैं अच्छे खासे, और बहुत सारी जगह घूम चुके हैं। मगर चलते हैं अभी फटाफट चाय पीते। भाई इंडियन गोरखा ब्लॉक्स की बाइक रेजेड आर। भाई क्या ही मालूम क्या क्या बताते रहता है ये रवि, हर कुछ हर कुछ। ये रहे भाई संगीत भाई, इनका नाम है इंडियन गोरखा ब्लॉग्स, और भाई ये हमको मिले हैं अभी आगरा में, और भाई एक गुड पर्सन यार, मगर सबसे पहले यार। और दूसरी बात ये है कि हम इसे चश्मा लगाए रहते मेरी तरह नहीं ये। और भाई इनकी मेरे को इम्प्रेसिव बात ये लगी कि इनकी जो बाइक है, ये छोटा सा सेटअप में लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हैं। और संगीत भाई अभी कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? अभी तो मेरा उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड पूरा हो गया, हाँ पूरा हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ हरिद्वार ऋषिकेश हुआ, हाँ? और देहरादून हुआ, ठीक है, और साथ में शायद नैनीताल भी उत्तराखंड, हाँ नैनीताल भी उत्तराखंड में है ये सब। आगरा के बाद कहाँ जाओगे? अभी आगरा के बाद में मेरे को जाना है, अभी आज ही जाना है जयपुर। जयपुर तो आज ही निकलोगे? जी जी जी, चलो ठीक है, जयपुर निकलूंगा, उसके बाद में फिर नीचे होते हुए अहमदाबाद, या तो जयपुर से इंदौर जाऊंगा, उसके बाद फिर अहमदाबाद जाऊंगा, उसके बाद फिर सूरत, उसके बाद में फिर नीचे महाराष्ट्र मुंबई। ओके, ऐसे करते कन्याकुमारी तक, उसके बाद में फिर ऊपर तमिलनाडु होते। अभी हम पास में पहुंच गए हैं ताजमहल के, और पार्किंग हमने वहां कर दी, पार्किंग यहां पर भी थी, अब हो गया काम। अब देखने के लिए जा रहे हैं ताजमहल कैसा दिखता है। और भाई ये बच्चा अपना प्रोडक्ट चेप रहा है, देखते हैं आगे जाने दिया जाता है कि नहीं, तो चलते हैं पीछे। मेरा माइक वहाँ पर रख लिया गया है, और दूसरी बात कि अब पता नहीं आपको आवाज़ क्लियर आएगी कि नहीं आएगी, मगर हाँ आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी अभी, और ये सुधरेगी बस अपने लैपटॉप में। भाई मेरा कॉम्बिनेशन बहुत ही बेकार है, बट क्या मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरे को आज फिर से लोअर नहीं मिली, इस कारण मैं ट्राई करना पड़ रहा है ये सब चीज़ें मेरे को। और अकबर महल ये अकबर महल है, और ये दोनों पीछे लगे हुए हैं, और मैं भी भाई यहाँ से, बस ये चीज़ है कि मेरा माइक नहीं है तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है, और दूसरा कि कैसा लगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ताजमहल, और ये रहा भाई ताजमहल, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ताजमहल के पास, और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत तेज़ है। टिकट और टिकट हुई है तकरीबन 250 रुपये की, और हम तीन लोग हैं, और 750 रुपये पे किए हैं हमने। और दूसरा कि भाई यहाँ पर 50 रुपये वाली भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, और अदरवाइज़ यदि किसी ब्रोकर के हाथों करवाओगे तो 10-20 रुपये जैसे एक्स्ट्रा लेते हैं,
कर देते हैं वैसे वो भी। और भाई पीछे, और ये रहा भाई मेरे पीछे ताजमहल, वाइट संगमरमर से बना हुआ। ये देख, स्विमिंग पूल है। ओ भाई फोकस, अभी गया 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 अभी। ए, तेरे टर्न यार, मैं ले लेता फोटो। ये बात बताता हूँ, हम लोग तो गर्मी में तप रहे हैं, लेकिन ये लोग का एक बढ़िया भाई अच्छे तरीके से लाउड साउंड कर रहा है ये। अरे भाई इसे कहते हैं मजा। ये भाई भाई मार छलांग, कम ऑन। हाँ ब्रो तू ही है सब कुछ भाई, टैलेंट दिखाओ और उसके बाद ओलंपिक। भाई देखो तैरना सिखा रहा है वो उसको भाई, ट्राई इंडिया को रिप्रेजेंट करो। ये कमाल का है यार सीन, मजा आ गया यार। लेकिन यहाँ पे ना ताजमहल से ज्यादा ये बंदर को देख के अब मजा आ रहा है। ये लोग इंजॉय कर रहे हैं हमसे तो ज्यादा गाइस, ताज का सीन बना रहे हैं लोग। ये उधर पे लिखा हुआ था बंदरों से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर बंदरों से हम लोग को एंजॉय करने ले रहे हैं। और भाई ये रहा ताजमहल, अब बिल्कुल नीचे आ गए ताजमहल के। भाई सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ है और एकदम वाइट संगमरमर है, और मतलब यहाँ पर फॉरेनर भी हैं और सभी लोगों के अलग अलग टिकट है, और अपने लिए 50-250 पर पर्सन एंट्री। और भाई ठीक ही है, अच्छा लग रहा है देख के, बट जैसे सोचा था यार, मतलब रियलिटी कुछ और होती है और हम कुछ और समझ लेते हैं। मैंने कुछ भी अलाउ नहीं हो पाया जाना। ये अभी हम जा रहे हैं यहाँ से निकलते हुए और उसके ऊपर जा रहे हैं, अभी तो नीचे ही थे। और भाई काफ़ी प्राचीन है और इसका भाई एक और ये बूम हो चुका हूँ, मगर ये देख के मज़ा आया। और दूसरी कि अब इसको अच्छी तरीके से एडिट करना पड़ेगा यार, पहले सोचा नहीं था, अब मगर सोचना पड़ेगा। भाई सब लोग यहाँ पर तस्वीर खिंचाने के लिए आते हैं या घूमने के लिए, बहुत ही कमाल है। इज अ फेमस प्लेस यार ऑल। ये दुनिया के 7वें अजूबों में से, इस अजूबों में से एक है, दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है ये जगह, ऐसा माना जाता है। अब ये है कि नहीं ये पता नहीं, मगर ऐसा माना जाता है कि 7वें अजूबों में से एक है। कुछ धड़ाकेदार शॉट्स, बिहाइंड द सीन अच्छा दिख रहा है। और ये तो ऑलरेडी अच्छा दिख रहा है भाई, कहते हैं कि ये मीनार बनी हुई ना, ये इस साइड को और झुकी हुई है, और वो उस साइड को और वो उसी साइड, और ये उस वाली उस साइड हो गई, जिससे क्या है कि ऐसा बनाया गया है इसका स्ट्रक्चर कि भाई जब भी यदि भूकंप या कुछ ऐसे डिजास्टर वगैरह आते हैं तो ये इस गुम्मत पर ना गिर कर साइड में गिर जाए। उसके सामने बोल रहे थे कि ब्लैक वाला ताजमहल बनाया जाता, पता नहीं अब ये सच है कि गलत, मगर अब जा रहे हैं धीरे धीरे करके ऊपर, उस साइड से है शायद, फिर उसके बाद
एग्जिट जानते हो किस लिए बनवाया है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये क्या ही दिख रहा है मेरे को भी एक बार देखना है अंदर भाई, देख देख कर इन्होंने पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद देखते हैं। और ये रही यमुना नदी, सभी जानते हैं ये यहीं पर रहते हैं। तो भाई ये आ गया, और हमेशा मैं देखता हूँ जब भी चारों तरफ इसके ये लाल संगमरमर से बना हुआ ये मीनार हमेशा ऐसे ही बना रहता है। और जहाँ से हम आए तो वहाँ से भी, और सेम थिंग कि भाई चारों तरफ से देखने पर वहाँ आपको ताजमहल पूरा दिखता है। दिस मैन, ये चीज़ तो दिखती ही दिखती है, ये चीज़ आपको पूरी दिखती है। आप चाहे इस साइड से देख लो, चाहे वहाँ से देखो, और यमुना के सामने बनता काला वाला अपना क्या बोलते हैं ताजमहल, तो ज़रूर वो उसके सामने से भी यही दिखता और यहाँ से भी वही दिखता है। भाई यहाँ पे खिंचवा रही है सबसे बढ़िया। और भाई मैं जाते समय ना एक बहुत ही मतलब लंबा वीडियो बनाऊंगा, जिसके कारण क्या है कि ये पूरा का पूरा टाइम लैप्स में भी जाएगा। देखो मैं अभी आगरा में खड़ा हुआ हूँ, और मेन गेट वहाँ से आया था, और ये रहा ताजमहल। ये दिखाता हूँ, ये रहा ताजमहल। तो बाकी वीडियो में तो आप देख ही लोगे कि चारों तरफ आपको संगमरमर के ही दिखेंगे, और नीचे जो बनाया हुआ है ये संगमरमर का नहीं, ये नॉर्मल पत्थर से बनाया हुआ, बाकी तो ये सभी रेड संगमरमर और वाइट संगमरमर। और यहाँ पर 200 रुपये मूल के टिकट धारक ही मुख्य मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं। और उससे पहले जैसे ये रवि भाई पहन रहे हैं, मेरे को भी ये पहनना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है कि धूल वगैरह डस्ट वगैरह वहाँ पर ना हो, इसलिए तो शायद दिया गया ये। तो रवि भाई कंफर्टेबल, दिस इज ऐसा ना हो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो हम शॉर्ट में कर लेंगे। वैसे वहाँ से हम लोग आए थे और यहाँ से घूमते घामते आए, और ये बंदरों का स्विमिंग पूल है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं ओलंपिक में जाने के लिए। चल रहे हैं फटाफट, और वहाँ से आए थे, और यहाँ पे ये भाई अब ऊपर जाए। और भाई अब हम आ चुके हैं इसके मेन मकबरे के अंदर। ये रहा मेन मकबरा, ये देखो पूरा मकबरा, फ्रंट से बैक कैमरे से ये पूरा मकबरा। यहाँ पर सिर्फ 200 रुपये से जिसने पे किया है 200 रुपये वही जा सकता है। ये और नीचे वाले को 50 रुपये, कुल मिलाकर टोटल 250 रुपये। और यहाँ से देखिए गाइस यहाँ का व्यू, और भाई ये रही वो मीनार है जो बताया था मैंने इनके बारे में। आप इस साइड भी देखो तो भी रेड वाला मकबरा वो क्या बोलते हैं मिलेगा, इस साइड भी रेड और इस साइड भी रेड। और दूसरी बात यहाँ पे होता ब्लैक, बट क्या ब्लैक नहीं है। हाँ भाई, और हम लोग वहाँ से आए थे, अब कितने लोग हैं यार देख सकते हो, कितने लोग हैं, बहुत आ रहे हैं भाई, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। यहाँ से ये देखो तो रही है, तो भाई यहाँ पे सेकंड डोर है, माल की कारीगरी है यार, देख रहे हो क्या ही कारीगरी है। इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर वो डालूंगा अलग से। बाकी हाँ ये रहेगा कि यहाँ से निकला था या फिर ये सब चीज़ें, उसका क्या बोलते हैं एंट्रेंस रहा जिसके सामने यमुना नदी, और लास्ट एंट्रेंस यहाँ से, ये सामने से सॉरी इसे गेट वगैरह बना हुआ है, और सामने से ये जब भी देखो ना यहाँ से रेड कलर के महल टाइप में बने होते हैं।
और इसके अंदर जाने का ही एक लौता रास्ता। चलो जाते हैं, देखते हैं यदि टाइमलेस बन पाया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, बाकी नॉर्मल वीडियो चल ही रहे। और भाई अंदर का नज़ारा, और भाई इसमें पिक्चर लेनी तो बनती है ताजमहल के अंदर। भाई अब इसके अंदर आ चुका। हाँ भाई ठंडक है यार इसके, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये कुछ लोगों के लिए बनाया गया है और हमने 200 रुपये पे भी किए हैं भाई, तो वसूलना तो पड़ेगा। किनारे लगा यहाँ इस टाइप में चमकता है ये, और अगर वो होता ना तो वो बहुत अच्छा दिखता है। देखो इधर से, भाई ये रहा सुपर वाइड एंगल, चलते हैं हम आगे। अद्भुत कारीगरी, अद्भुत कारीगरी है भाई। अगर अभी के मतलब कारीगर को ऐसे बनाने बोलेगा ना तो सकेगा ही नहीं। हाँ कोई नहीं, ये रहा भाई अंदर से नज़ारा ही ऐसा है, और ये रहे गेट वेट वगैरह इनके यहाँ के। और भाई मेरे भाई ये अंदर हैं तो ताजमहल के बात ही कुछ, ये अच्छा नीचे जाने के लिए रास्ता होगा। और भाई अब हम एग्ज़िट कर गए हैं यहाँ से, अब चलते हैं सीधा रूम से चेकआउट करते हैं और फिर दूसरी प्लेस के निकलते हैं। अभी हम ट्रैवल कर गए, अब नेक्स्ट प्लेस मथुरा वृंदावन, और आज शाम तक पहुँच जाएंगे। दिल्ली शिफ्ट किया तो ये भाई भी अलग जा रहे हैं, फिर लाल किला में रवि भी अलग जा रहा है, सेम जो कारीगर थे यानी कि सेम आर्किटेक्चर उसी ने ये भी बनाया और वो भी बनाया। देखा जाएगा कि किस समय जाना है, और अच्छा लगा यार देखकर, ठीक है। और कभी आना हुआ फैमिली के साथ तो ज़रूर आऊँगा, सही है कि नहीं। और चलते हैं फटाक से, अगर मेरे वीडियो एंड हो सकता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई चैनल को लाइक करना शेयर करना। तो भाई ताजमहल का हो गया है टूर, अब हो गई है ख़त्म कहानी, अब निकलते हैं मथुरा वृंदावन। ये बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं आपसे कहना चाहूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना, कमेंट करना कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, और जो बेस्ट प्लेस है फ़ोटो खींचने के लिए तो कहते हैं कि यहाँ से अच्छा फ़ोटो आता है, ये देखो। तो अच्छी फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पे आओ और खींचते हैं और चलते हैं।